देखिए अभी मैं मॉर्निंग में क्या कर रही हूँ, एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है, एक तरफ बाबू के पॉटर तो डिसइंफेक्टेड होने के लिए चढ़ा दिया है, एक तरफ मैं बाबू तो ताल मिश्री वाला पानी देती हूँ, लेकिन आज तो उसमें थोड़ा अजवाइन भी मिला देती हूँ। और रोज बनाते हुए पानी थोड़ा सा बनाते हुए पॉटर में डाल देती हूँ ताकि उसका खाना डाइजेस्ट अच्छे से हो। और आज यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, अभी मैं दिखाऊंगी। पहले मैं इसका पानी छान लेती हूँ कटोरे में ताकि ये आराम से ठंडा होकर पी पाए। तो फ्रेंड्स मैंने पानी छान लिया है, ऐसे ठंडा होने दूंगी। और यहाँ चाय के लिए पानी चढ़ा दिया है मैंने, और यहाँ पे बाबू की बोतल भी डिसइंफेक्टेड हो चुकी है, और यहाँ पे दूध भी चढ़ा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसमें दूध डाल देती हूँ। पहले मैं दूध और पानी तो अच्छे से ठोलाती हूँ, क्योंकि अगर आप तो चाय पीने से टैस बनती है तो पहले आप दूध और पानी को अच्छे से ठोलाइए और फिर चाय पत्ती अच्छे से। चीनी तो हम तो मेरे में पहले चीनी जो है बाद में डलता है, क्योंकि मुझे एक बार विदाउट शुगर चाय निकालनी पड़ती है पापा के लिए, इसीलिए उसे लास्ट में चीनी पर डालना पड़ता है। नहीं तो आप अपना चीनी दूध पहले दूध और पानी पर छोलाइए, फिर चीनी डालिए और लास्ट फिर तो एंड में चाय पत्ती डाल के छान दीजिए। उससे क्या होता है कि आप जो है टैस नहीं बनेगी। तो ये इसे फ़ायदा होता है, किसी किसी चीज़ को टैस बनती है चाय पीने से, तो ये ऐसे पियेंगे तो उनको ये टैस नहीं बनेगी, क्योंकि दूध और पानी अच्छे से छोल के चाय पत्ती और ज़्यादा छोलाएंगे ना, तो सबको चाय पीने के साथ काम होता है, होते ही नहीं है। पहले मुझे भी बनते थे, लेकिन जब से मैंने यहाँ पे आके ऐसे बनाने लगती हूँ तो बिल्कुल भी मुझे चैस नहीं बनती है। ये बहुत अच्छा है, यही चाय बनाने का एक्चुअल में सही तरीका है। देख सकते हैं मेरी बेटी की मालिश हो रही है। सेटू हाय। रेन से के पटना का बहुत अच्छा वेदर हुआ है, रात में बारिश भी हुआ है और यहाँ बहुत गर्मी पड़ रहा था, लेकिन अब जाते थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ है। ये मेरे प्लांट्स है सारे, आप देखिए हम इनकी बहुत टेक्चर करते हैं, मैंने आपको बताया था। हम इनके फर्टिलाइजर तो वैसे भी डालते हैं, लेकिन हम अपने ठंड में भी जो सब्जी वब्जी बनाते हैं उसे जो छिलके होते हैं उसे एक बाल्टी में डाल के रखते हैं और उसमें पानी डाल के और ठल डाल के उसका अच्छा सा फर्टिलाइजर बनाते हैं। आप भी अपने ठंड में बनाइए और प्लांट्स जरूर लगाइए, यही हमारे टेम्परेचर तो डाउन करता है। जो बाहर का टेम्परेचर है प्लांट्स बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए फ्रेंड्स मैं आते ही दोबारा से अपने स्टेशन पे स्टेशन वर्क स्टेशन आप हो सकते हैं, हम हाउस वाइफ के लिए तो ये एक वर्क स्टेशन ही होता है जहाँ पे हम काम करते हैं। तो मेरा दूध और पनीर भी उबल रहा है, यहाँ मेरा दूध उबल रहा है और फ्रेंड मैंने अपनी बेटी के लिए यहाँ पे बिस्कुट दूध बिस्कुट बना रही हूँ। अभी इसमें दूध डाल दूँगी और चुस्ते छोड़ दूँगी, ऐसे मेरे को छोटा छोटा तोड़ के आप रख दीजिए और इसमें ड्रम दूध डाल के चुस्ते अच्छे छोड़ दीजिए, तो उससे क्या होता है कि दूध अच्छे से फूल जाएगा और बच्चे को ठाने में आसानी होती है। कभी कभी मैं इसमें मथाने घी में फ्राई करके काजू बादाम सब अच्छे से फ्राई करके पीस देती हूँ मशीन में, और वो भी देती हूँ ताकि उसको कैल्शियम की कमी या ये जो हर चीज़ जो है कमी जो भी होती है बॉडी में वो नहीं हो। अब देखिए फ्रेंड्स मेरा चाय उबलते है, दूध पानी उबलते है, अब मैं इसमें चाय पत्ती भी डालूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने चाय पत्ती डाल दी है दूध में और अब इसे ठोलाऊंगी और मेरा दूध भी गर्म हो गया, अब मैं इसे ढक दूंगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने अपना दूध ढक दिया है, ये है। आश्रम में यहाँ काम वाली आंटी नहीं आ रही है तो सारा लोड अभी ढलता हम लोगों पे ही है, मेरे पे और मम्मी पे, लेकिन थोड़ा मेरे पे ही है क्योंकि मम्मी की भी तबीयत आशा सही रहती नहीं है, तो मेरे को ही मैनेज करना पड़ रहा है सब, तो इसीलिए देखते हैं। बिहार में प्रॉब्लम है कि काम वाली मिलना बहुत टफ टास्क है, जैसे दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़ा टास्क नहीं है, काम वाली मिलना आसान है, यहाँ उतना ही एक टफ टास्क है, यहाँ काम वाली मिलती ही नहीं है एक्चुअल में।
देखिए फ्रेंड्स, मेरी बेटी टिट्टी से तान हो गई है। देखिए आपको तो वाटर वाटर से भी चलने थे, दादाजी के साथ है। अभी अभी बहुत चिल्ला चिल्ला से आवाज भी निकाल। अब फ्रेंड्स देखिए, चाय मेरा बन गया, मैं चाय छानने जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने चाय में चीनी डाल दी है, पापा तो चाय छानते दे भी आई हूँ। वो चाय रस ठा रहे हैं और बाबू बिस्कुट ठा रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, चाय बन रही है और मैं इसे छानने जा रही हूँ। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय। ये देखिए मैंने चाय छान ली, ठीक है। अभी ये चीज दोनों हाथ से पकड़ना होता है, मेरे एक हाथ में फोन होता है, मैं इसलिए फ्रेंड्स ओके बाय।